हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सब पहले से ही जानते हैं कि हम एसएससी फेस 9th के एग्जामिनेशन के लिए, जो कि फरवरी 2022 में कंडक्ट होने जा रहा है, वोकेबलरी की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारे पहले के वीडियोज़ नहीं देखी है तो उन वीडियोज़ के लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहाँ से उनको देख सकते हो। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट से रिलेटेड वोकेबलरी। इसमें होता क्या है कि आपको एक पैसेज दिया रहता है और उसमें कोई वर्ड दिया गया रहता है, तो उसकी मीनिंग पूछ लेते हैं या पूछ लेते हैं कि कोई सिमिलर वर्ड बताओ या सिनोनिम बताओ, एंटोनिम बताओ, या तो कोई फ्रेज दे देंगे, कोई इडियम दे देंगे और कहेंगे कि उसकी मीनिंग बताओ। तो दोस्तों, इसी वीडियो में हम देखेंगे इससे रिलेटेड, कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट से रिलेटेड कुछ वोकेबलरी। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। तो हमारा जो पहला ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस है, इन 1760 अ मैन नेम्ड रॉस टेलर मेड अ बिजार प्रेडिक्शन। तो 1760 में एक आदमी जिसका नाम था रॉस टेलर, उसने क्या किया, एक बिजार प्रेडिक्शन दी, है ना, प्रेडिक्ट किया। क्या किया, क्या भविष्यवाणी की, क्या संभावना जताई, कैसी संभावना, बिजार। बिजार का मतलब क्या होता है, विच इज समथिंग वेरी स्ट्रेंज, है ना, और अनयूजुअल, जो बिल्कुल विचित्र सा हो, है ना। विजार का मतलब होता है विचित्र सा। उसने विचित्र सी भविष्यवाणी की, उसने क्या कहा, इन एन इमेजिनरी स्टोरी, है ना, एक इमेजिनरी स्टोरी में जो कि रियल नहीं है, उसने कहा मिरर इमेजेस ऑफ सीन्स फ्रॉम नेचर कुड बी कैप्चर्ड, उनको कैप्चर किया जा सकता है परमानेंटली ऑन अ कैनवास कवर्ड विथ स्टिकी मटेरियल। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या बना, द टर्म बिजार मोस्ट कॉमनली मीन्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा टर्म है बिजार, बिजार यहाँ पे दिया गया, आप देखो जो हमारा पैसेज है छोटा सा, बिजार प्रेडिक्शन। तो बिजार जो हमारा है, बिजार यहाँ पे एक एडजेक्टिव है, ठीक है, बिजार हमारा एडजेक्टिव है यहाँ पे। तो यहाँ पे पूछा गया है बिजार का जो मतलब क्या होता है, उसकी मीनिंग क्या होती है। ठीक है, ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन वन हमारा है ह्यूमरस, ह्यूमरस का मतलब होता है कि कोई चीज हास्यास्पद हो, ठीक है, हास्यास्पद, जिसको देख करके सुन करके आपको हंसी आ जाए, ठीक है, तो उसको कहते हैं हम ह्यूमरस। ऑप्शन टू देखते हैं, ऑप्शन टू हमारा है स्ट्रेंज, स्ट्रेंज का मतलब होता है विचित्र सा, बिल्कुल अजीब, है ना, विच इज अनयूजुअल, विच इज स्ट्रेंज। ठीक है, तो जो बिल्कुल विचित्र हो, अजीब हो, उसको हम कैसा कहते हैं, स्ट्रेंज कहते हैं। ऑप्शन थ्री देख लेते हैं, ऑप्शन थ्री हमारा है पॉपुलर, पॉपुलर का मतलब होता है लोकप्रिय। ऑप्शन फोर हमारा है ऑबियस, ऑबियस का मतलब होता है जो स्पष्ट हो, जो स्पष्ट हो। तो यहाँ पे जो हमारा बिजार है, बिजार का मतलब क्या होता है, अजीब या विचित्र सा कुछ। ठीक है, तो बिजार हमारा एडजेक्टिव है। ऑप्शन टू आप देखो, स्ट्रेंज, स्ट्रेंज का मतलब होता है अजीब, अजीबो गरीब। ठीक है, तो बिजार का मतलब होता है विचित्र, ठीक है, विचित्र, विचित्र। तो जो हमारी मीनिंग है स्ट्रेंज की, इट इज समहाउ मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू द मीनिंग ऑफ बिजार द गिवन वर्ड। तो हम यहाँ पे ऑप्शन टू को, स्ट्रेंज को ही करेक्ट मार्क करेंगे। चलिए आगे चलते हैं, अगला ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस है वो क्या है, मेनी ईयर्स अगो देयर लिव्ड इन इंडिया अ किंग कॉल्ड जहांगीर। ठीक है, बहुत समय पहले इंडिया में, भारत में एक राजा रहता था, उसका नाम क्या था, उसको क्या कहा जाता था, उसका नाम क्या था, जहांगीर। ठीक है, ही अनाउंस्ड, उसने घोषणा की थी दैट इफ द पीपल हैड एनी कंप्लेंट, ठीक है, अगर लोगों को कोई भी शिकायत है, कोई भी कंप्लेंट है, तो वट दे कुड डू, दे कुड कम टू द पैलेस, वे लोग महल आ सकते हैं एंड रिंग द बेल, वे घंटी बजा सकते हैं। था क्या कि जागीर ने अपने महल के बाहर एक घंटी लगा रखी थी, तो जो भी शिकायतकर्ता होता था, जो भी फरियादी होता था, वो आकर के घंटी बजाता था और फिर उसके साथ न्याय होता था, राजा उसकी शिकायत सुनता था। ठीक है, द एम्परर, जो सम्राट था, हिमसेल्फ वुड लिसन टू देयर कंप्लेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे कहा गया है कि मेनी ईयर्स अगो, बहुत समय पहले, देयर लिव्ड इन इंडिया अ किंग, भारत में एक राजा रहता था कॉल्ड जहांगीर, जहांगीर नाम था उसका। ही अनाउंस्ड, उसने घोषणा कर रखी थी कि दैट इफ द पीपल हैड एनी कंप्लेंट, अगर लोगों को कोई भी शिकायत थी, दे कुड कम टू द पैलेस, वे लोग महल आ सकते थे एंड रिंग द बेल, वे घंटी बजा सकते थे। घंटी बजाने से क्या होता,
द एम्परर हिमसेल्फ वुड लिसन टू देयर कंप्लेंट्स, राजा स्वतः ही जो सम्राट है वो खुद ही उनकी शिकायतें सुनता था। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बना हमारा, कंप्लेंट मीन्स। ठीक है, यहाँ पे कंप्लेंट का मतलब बताना है, उसकी मीनिंग बतानी है। ठीक है, ऑप्शंस देख लेते हैं हम अपने एक एक करके। ऑप्शन वन हमारा है कंप्लीट। कंप्लीट का मतलब क्या होता है, कंप्लीट का मतलब होता है पूर्ण। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो दूसरा ऑप्शन है कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब क्या होता है, जटिलता, है ना, जो जटिल हो उसको हम कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और कॉम्प्लेक्स हमारा एक एडजेक्टिव है और कॉम्प्लेक्सिटी हमारा एक नाउन है ना। द स्टेट ऑफ बीइंग कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, तो यहाँ पे जो कंप्लेंट है हमारा उसका मैं मतलब यहाँ हिंदी में लिख देता हूँ, शिकायत होता है। ठीक है, ऑप्शन थ्री देख लेते हैं, ऑब्जेक्शंस। ऑब्जेक्शंस का मतलब क्या होता है, आपत्तियाँ। ऑब्जेक्शन का मतलब होता है आपत्ति, ऑब्जेक्शंस का मतलब होता है आपत्तियाँ। ऑप्शन फोर देख लेते हैं, डिजास्टर। डिजास्टर का मतलब होता है आपदा। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा क्या गया है, कंप्लेंट का, शिकायत का मतलब पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऑप्शन थ्री देखो, ऑब्जेक्शंस। ऑब्जेक्शंस, द मीनिंग ऑफ ऑब्जेक्शन इट्स समहाउ रिलेटेड टू द मीनिंग ऑफ कंप्लेंट, सो वी वुड मार्क ऑप्शन थ्री, ऑब्जेक्शन, एज द करेक्ट ऑप्शन बिकॉज इट सीम्स टू बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग और द एक्सप्लेनेशन ऑफ द गिवन वर्ड कंप्लेंट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस। यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस है वो क्या है, सिंस द प्री हिस्टोरिक टाइम्स। ठीक है, इतिहास से भी पहले वेमेन वर डिनाइड अपॉर्चुनिटीज एंड हैड टू सफर फ्रॉम दी हेजिमनिक मैस्कुलिन आइडियोलॉजी। ठीक है, तो यहाँ पे वेमेन को क्या किया गया था, वेमेन वर डिनाइड अपॉर्चुनिटीज, उनको अवसर नहीं दिए गए थे वेमेन को। ठीक है, वेमेन को डिप्राइव किया गया था अवसर से, और क्या इससे क्या हुआ, दे हैड टू सफर फ्रॉम दी हेजेमोनिक मैस्कुलिन आइडियोलॉजी। ठीक है, फिर क्या हुआ, दिस अनजस्टिफाइबल, है ना, वो ये जो अनजस्टिफाइबल एंड अनवारंटेबल ऑपरेशन था, ठीक है, उसने क्या किया, इट हैड रिजल्टेड इनटू अ वेमेन स्ट्रगल टू अचीव द इक्वल स्टेटस ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, तो सिंस द प्री हिस्टोरिक टाइम्स, काफी इतिहास से पहले भी, है ना, ऐतिहासिक काल से पहले भी, प्री हिस्टोरिक टाइम से ही वेमेन को अवसर नहीं दिया गया, है ना, उनको डिप्राइव किया गया अवसर से, और इस कारण उनको जो हेजिमोनिक मैस्कुलिन आइडियोलॉजी थी, ठीक है, उससे उनको सफर करना पड़ा। और इससे हुआ क्या कि जो ये अनजस्टिफाइबल और अनवारंटेबल ऑपरेशन था, है ना, ऑपरेशन था वेमेन का, मेन के द्वारा, तो इट हैड रिजल्टेड, उसका परिणाम क्या हुआ कि एक वेमेन स्ट्रगल शुरू हुआ, है ना, एक स्ट्रगल शुरू हुआ किसके लिए, टू अचीव इक्वल स्टेटस। ठीक है, समानता, वो जो समान दशा है, समान स्थिति है, ठीक है, तो उसको अचीव करने के लिए वेमेन स्ट्रगल एक शुरू हो गया ऑल ओवर द वर्ल्ड, है ना, पूरे विश्व में। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या बना, फाइंड द ऑप्शन अपोजिट इन मीनिंग टू अनजस्टिफाइबल। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है हमसे, बेसिकली एंटनिम पूछा जा रहा है किसका, अनजस्टिफाइबल का। तो अनजस्टिफाइबल का मतलब क्या होता है, अनजस्टिफाइबल का मतलब होता है कि समथिंग दैट कैन नॉट बी जस्टिफाइड, कैन नॉट बी जस्टिफाइड। इफ समथिंग इज अनजस्टिफाइबल इट मीन्स इट कैन नॉट बी जस्टिफाइड। ठीक है, ये किसी भी तरीके से न्यायोचित न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता। ठीक है, अगर कोई चीज अनजस्टिफाइबल है तो उसको न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता, नहीं ठहराया जा सकता। ठीक है, ऑप्शंस देख लेते हैं एक एक करके। ऑप्शन वन हमारा है कंपलसरी। कंपलसरी का मतलब होता है अनिवार्य। ऑप्शन टू देख लेते हैं, ऑप्शन टू हमारा है प्रोग्रेसिव। ऑप्शन टू हमारा प्रोग्रेसिव है और प्रोग्रेसिव का मतलब होता है प्रगतिशील। ठीक है, प्रोग्रेसिव का मतलब होता है प्रगतिशील। ऑप्शन थ्री देख लेते हैं, हमारा ऑप्शन थ्री है रिजनेबल। रिजनेबल का मतलब होता है यथोचित, है ना, यथोचित। ऑप्शन फोर हमारा है मेथोडिकल। मेथोडिकल का मतलब होता है कि अरेंज्ड इन ऑर्डर। ठीक है, तो यहाँ पे मेथोडिकल का मतलब होता है व्यवस्थित रूप से, मेथोडिकल का मतलब होता है व्यवस्थित। ठीक है,
तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या है, अनजस्टिफाइबल का पूछा गया है एंटनिम। तो यहाँ पे अनजस्टिफाइबल का मतलब होता है जिसको न्यायोचित नहीं ठहराया जा सके। तो यहाँ पे आप ऑप्शन थ्री देखो, रिजनेबल, रिजनेबल सीम्स टू बी दी अप्रोप्रिएट एंटनिम ऑफ दी गिवन वर्ड अनजस्टिफाइबल। सो वी वुड मार्क ऑप्शन थ्री रिजनेबल एज द करेक्ट ऑप्शन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट ग्रुप ऑफ सेंटेंसेज। तो यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस है वो क्या है, ओपेरा रेफर्स टू अ ड्रामेटिक आर्ट फॉर्म ओरिजिनेटेड इन यूरोप इन विच द इमोशनल कंटेंट इज कन्वेड टू द ऑडियंस एज मच थ्रू म्यूजिक बोथ वोकल एंड इंस्ट्रूमेंटल एज इट इज थ्रू द लिरिक्स। ठीक है, तो ओपेरा जो है वो क्या है, एक ड्रामेटिक आर्ट फॉर्म है। ठीक है, कहाँ पे ओरिजिनेट हुआ था, यूरोप में। ठीक है, उसमें होता क्या है कि जो इमोशनल कंटेंट है उसको कन्वे किया जा सकता किया जाता है ना, उसको क्या किया जाता है, कन्वे किया जाता है। कन्वे करने का मतलब होता है किसी तक पहुंचाना, किसी तक अवगत कराना, कोई भी चीज़ किसी तक ट्रांसमिट करना, किसी तक पहुंचाना। और कन्वे किया जाता है इमोशनल कंटेंट किसको, टू द ऑडियंस जो श्रोतागण है, एंड जो यहाँ पे कैसा, एज मच एज थ्रू म्यूजिक, म्यूजिक के थ्रू भी है ना, बोथ वोकल म्यूजिक और इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक एंड एज इट इज थ्रू द लिरिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे पूछा क्या गया, अब हमारा क्वेश्चन क्या बना, द वर्ड कन्वेड ऑल्सो मीन्स। ठीक है, कन्वेड का मतलब पूछा गया है, मीनिंग पूछे पूछा गया है कन्वेड का। तो कन्वेड हमारा क्या है, यहाँ पे V3 है ना, वर्ब का थर्ड फॉर्म है और वर्ब हमारा क्या है, कन्वे। कन्वे का मतलब क्या होता है, अवगत कराना, तक पहुंचाना। ठीक है, तक पहुंचाना कोई मैसेज, कोई संदेश है ना, या कोई बात तक पहुंचाना या अवगत कराना। ठीक है, तो ये कन्वे का मतलब होता है, और कन्वे का V3 जो वर्ब का थर्ड फॉर्म है वो कन्वेड है। ऑप्शंस देख लेते हैं अपने एक एक करके। ऑप्शन वन हमारा है ट्रांसमिट। ट्रांसमिट का मतलब क्या होता है, ट्रांसमिट का मतलब होता है कि संचारित करना। ठीक है, संचारित करना या प्रसारित करना। ठीक है, संचारित करना या प्रसारित करना, प्रसारित करना यानी कम्युनिकेट करना। ऑप्शन टू हमारा है टोट। टोट का मतलब क्या होता है, टोट का मतलब आप समझ सकते हो टू कैरी। ठीक है, टोट का मतलब होता है कि ढोना, ढोना। ठीक है, टोट का मतलब होता है ढोना। ऑप्शन थ्री हमारा है कीप। कीप का मतलब क्या होता है, कीप का मतलब होता है रखना, रखना। ऑप्शन फोर हमारा है डिसुएड। डिसुएड हमारा एंटनिम है परसुएड का। ठीक है, तो डिसुएड का मतलब क्या होता है, डिसुएड का मतलब होता है कि विरत करना, रोकना या कुछ भी करने के लिए मना करना। ठीक है, विरत करना, रोकना या मना करना। ठीक है, किसी भी चीज के लिए रोकना या मना करना। तो यहाँ पे जो हमारा वर्ड है कन्वेड, कन्वेड का पूछा गया है कि मतलब क्या होगा। कन्वे का मतलब होता है तक पहुँचाना या अवगत कराना है ना, कम्युनिकेट करना। ऑप्शन वन देखो आप, ट्रांसमिट। ट्रांसमिट का मतलब होता है संचारित करना। ठीक है, या प्रसारित करना, एक जगह से दूसरे जगह कम्युनिकेट करना है ना, चीजें पहुंचाना, ट्रांसमिट करना। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन वन है ट्रांसमिट, ट्रांसमिट ही जो हमारा है अप्रोप्रिएट मीनिंग है किसका, कन्वे का, कन्वेड का। ठीक है, तो कन्वेड यहाँ पे V3 है और कन्वे एक वर्ब है और कन्वे का मतलब होता है तक पहुँचाना या अवगत कराना। तो ट्रांसमिट का भी यही मतलब होता है, संचारित करना या प्रसारित करना। ठीक है, तो हम यहाँ पे ट्रांसमिट को ही करेक्ट ऑप्शन मार्क करेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं, अगला देख लेते हैं ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस। इंडेंजर्ड स्पीसीज डे इज ऑब्जर्व्ड ईच ईयर ऑन द थर्ड फ्राइडे ऑफ मे एज अ वे टू बोथ रेज अवेयरनेस ऑफ द कंटिन्यूड प्लाइट ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज एंड सेलिब्रेट दोज दैट हैव रिकवर्ड बिकॉज ऑफ कंजर्वेशन एफर्ट। ठीक है, तो जो हमारा इंडेंजर्ड स्पीसीज डे है वो ऑब्जर्व किया जाता है, मनाया जाता है कब, ईच ईयर को, हर साल मनाया जाता है प्रतिवर्ष कब, ऑन द थर्ड फ्राइडे है ना, जो तीसरा शुक्रवार है मई का। ठीक है, हर साल उसमें मनाया जाता है। उसका पर्पस क्या है, एज अ वे टू बोथ, दो पर्पसेस हैं क्या, पहला क्या है, रेज अवेयरनेस ऑफ द कंटिन्यूड प्लाइट
जो हमारा कंटिन्यूड प्लाइट है ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज का, उसके बारे में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, और ऑल्सो एट द सेम टाइम इट इज़ ऑल्सो इंटेंडेड टू सेलिब्रेट, जो सेलिब्रेट करना मनाना है ना उसको चेरिश करना, क्या उनके लिए जो कि रिकवर कर चुके हैं किसके कारण, जो कंजर्वेशन है ना, जो कंजर्वेशन हमारे एफर्ट्स रहे हैं, जो हमें हमारे संरक्षण करने के जो हमारे एफर्ट्स रहे हैं उनके द्वारा जो रिकवर कर चुके हैं उनको सेलिब्रेट करने के लिए, और जो हमारा कंटिन्यूड अभी प्लाइट है ठीक है इंडेंजर्ड स्पीसीज का, उसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए भी। तो ये दो पर्पज हैं किसके, इंडेंजर्ड स्पीसीज डे के, जो कि हर साल थर्ड जो फ्राइडे तीसरा जो शुक्रवार होता है मई का, उस दिन मनाया जाता है ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या बना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड प्लाइट, ठीक है। तो प्लाइट का यहाँ पे पूछा गया है मतलब क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा प्लाइट है, प्लाइट का मतलब होता है कि अनफॉर्चुनेट सिचुएशन, अनफॉर्चुनेट और डिफिकल्ट डिफिकल्ट सिचुएशन, ठीक है, डिफिकल्ट सिचुएशन सिचुएशन। तो अनफॉर्चुनेट का मतलब दुर्भाग्यपूर्ण है ठीक है, और कठिन जो परिस्थिति है, जो स्थिति है, उसके बारे में क्या करने के लिए, अवगत कराने के लिए भी, अवेयरनेस बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है, इसको ऑब्जर्व किया जाता है, मनाया जाता है। ऑप्शंस देख लेते हैं, अ डिफिकल्ट एंड सैड सिचुएशन है ना, ऑप्शन टू है अ थिंग दैट हेल्प्स यू टू बी बेटर, एक ऐसी भी कोई चीज़ जो कि आपको बेहतर बनाने में आपकी मदद करे। ऑप्शन थ्री हमारा है अ वे ऑफ सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, एक जो समस्या है उसको सॉल्व करने का एक तरीका। ऑप्शन फोर हमारा है अ जर्नी मेड बाय एयर है ना, जो हवाई यात्रा करना ठीक है। तो यहाँ पे पूछा क्या गया है, प्लाइट, प्लाइट का मतलब बताना है, मीनिंग बताना है, और प्लाइट का मतलब होता है कोई दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ठीक है, बुरी स्थिति। तो यहाँ पे आप ऑप्शन वन देखो, अ डिफिकल्ट एंड सैड सिचुएशन है ना, तो ऑप्शन ए सीम्स टू बी दी मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन ऑफ द गिवन वर्ड प्लाइट, सो वी वुड मार्क ऑप्शन वन एज दी करेक्ट ऑप्शन। आगे चलते हैं, अगला ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस देख लेते हैं, देयर हैज बिन ग्रोइंग फोकस ऑन द कंजर्वेशन ऑफ टाइगर्स, ठीक है। अब आज के समय में क्या हो रहा है, फोकस बढ़ रहा है किस पे, कंजर्वेशन ऑफ टाइगर्स, जो बाघ हैं उनके संरक्षण पर। सेवरल लॉज हैव बिन इनेक्टेड टू पनिश इलीगल पोचिंग है ना, जो अवैध शिकार होता है, इलीगल पोचिंग होती है, उसको पनिश करने के लिए है ना, दंड देने के लिए ठीक है, उसको क्या किया गया है, बहुत सारे कानून बनाए गए हैं, इनेक्ट किए गए हैं बहुत सारे लॉज। आगे चलते हैं, द इंक्रीज्ड प्रोटेक्शन हैज इंकरेज्ड द टाइगर टू ब्रीड, जो ये इतना उसको प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, जो इंक्रीज्ड प्रोटेक्शन है ना, क्या करने के लिए, कंजर्वेशन ऑफ टाइगर्स को कंजर्व करने के लिए, कंजर्वेशन ऑफ टाइगर्स पर जो काफी फोकस है उसके कारण काफी लॉज बनाए गए हैं ना, तो लोगों को दंड देने के लिए जो कि लीगल पोचिंग करते हैं, अवैध शिकार करते हैं टाइगर्स का, बाघों का। तो इससे हुआ क्या कि जो प्रोटेक्शन था उनका वो बढ़ गया है, और इसके कारण क्या हुआ है कि ये इनकरेज करता है किसको, टाइगर्स को, टू ब्रीड ठीक है, संतान उत्पन्न करने की, ब्रीडिंग करने की। तो यहाँ पे आगे क्या है, टाइगर्स आर फास्ट ब्रीडर्स, जो टाइगर्स हैं वो कैसे हैं, फास्ट ब्रीडर्स हैं व्हेन कंडीशंस आर कंड्यूसिव, तो जब कंडीशंस कंड्यूसिव हो, स्थितियां जो है जब कंड्यूसिव हो, तो वो क्या है, जो टाइगर्स हैं वो फास्ट ब्रीडर्स हैं ठीक है, तो जल्दी जल्दी वो ब्रीडिंग करते हैं ठीक है। तो यहाँ पे अब हमारा कंड्यूसिव का मतलब क्या होता है, अनुकूल ठीक है, अनुकूल अनुकूल यानी फेवरेबल ठीक है, जो पक्ष में हो तो उसको हम कहते हैं फेवरेबल। तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या बना, पिक आउट अ वर्ड सिमिलर इन मीनिंग टू कंड्यूसिव, इट मीन्स दे आर आस्किंग द मीनिंग ऑफ कंड्यूसिव, कंड्यूसिव का मतलब मैंने बताया अनुकूल होता है, फेवरेबल होता है ठीक है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं अपने, ऑप्शन जो हमारा वन है रिक्लूसिव, रिक्लूसिव का मतलब होता है एकांत प्रिय ठीक है, एकांत प्रिय प्रिय या एकांतवासी। ऑप्शन टू हमारा है हेल्पफुल, हेल्पफुल का मतलब होता है, हेल्पफुल का मतलब होता है कि जो सहायक हो, हेल्पफुल का मतलब होगा हेल्पफुल का सहायक,
ऑप्शन 3 हमारा है अनफेवरेबल। फेवरेबल का ये एंटोनिम है। अनफेवरेबल का मतलब होता है प्रतिकूल, प्रतिकूल। ऑप्शन 4 हमारा है हिंडरिंग, हिंडरिंग। हिंडरिंग का मतलब क्या होता है? हिंडरिंग का मतलब होता है कि समथिंग जो कि कोई भी चीज़ जो कि बाधक हो, है ना, हिंडर कर रही हो किसी भी चीज़ को, ठीक है, जो बाधा बन रही हो। तो यहाँ पे कंड्यूसिव का मतलब होता है अनुकूल और उसका मतलब पूछा गया है। तो यहाँ पे आप ऑप्शन 2 देखो, हेल्पफुल। हेल्पफुल का मतलब होता है सहायक, है ना। अगर चीज़ें फेवरेबल हैं, हेल्पफुल हैं, तो वो कैसी हैं? फिर वो कंड्यूसिव हैं, ठीक है, फेवरेबल। तो यहाँ पे हम ऑप्शन 2 को ही करेक्ट मार्क करेंगे, हेल्पफुल को ही, क्योंकि हेल्पफुल ही हमारा कंड्यूसिव का यहाँ पे अप्रोप्रिएट मीनिंग होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला देख लेते हैं ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस। ही वॉज अ 19 ईयर ओल्ड साइंस ग्रेजुएट बिसॉर्टेड बाई स्पेस टेक्नोलॉजी वेन ही फर्स्ट मेट सारा भाई। तो वो क्या था, किसी के बारे में कहा जा रहा है कि वह 19 साल का एक साइंस ग्रेजुएट था। वो बिसॉर्टेड था किसके द्वारा? बाई स्पेस टेक्नोलॉजी, ठीक। कब? व्हेन ही फर्स्ट मेट सारा भाई, विक्रम सारा भाई को, जो हमारा अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी है, अंतरिक्ष जो प्रोग्राम्स हैं उनका फादर कहा जाता है ना, इंडियन स्पेस का। तो यहाँ पे स्पेस प्रोग्राम जो है इंडिया का, उसका इनको फादर कहा जाता है, विक्रम सारा भाई को। तो यहाँ पे जब उसने पहली बार विक्रम सारा भाई से मुलाकात करी, तो वो केवल 19 साल का एक साइंस ग्रेजुएट था, एंड ही वॉज बिसॉर्टेड बाई स्पेस टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, बिसॉर्टेड हियर मीन्स, तो बिसॉर्टेड का मतलब क्या होगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये पूछ रहे हैं यहाँ पर बिसॉर्टेड का मतलब क्या होगा। तो बिसॉर्टेड का मतलब होता है कि ब्लाइंडली, बिसॉर्टेड का मतलब होता है कि ब्लाइंडली, ब्लाइंडली और अटरली, अटरली इनफैचुएटेड, इनफैचुएटेड, ठीक है। इनफैचुएटेड का मतलब होता है बिल्कुल लगाव में होना, ठीक है, बिल्कुल लगाव होना, लव में होना, प्यार में होना, है ना, ब्लाइंडली अटरली, ठीक है। तो अगर हिंदी में इसका मतलब देखो बिसॉर्टेड का, तो बिल्कुल आसक्त, है ना, बिल्कुल उसके अधीन, ऑब्सेस्ड, ठीक है। ऑप्शंस देख लेते हैं, फ्रेंटिक। फ्रेंटिक का मतलब यहाँ पर होता है इमोशनली आउट ऑफ कंट्रोल, ठीक है। अगर कोई भी इमोशनली आउट ऑफ कंट्रोल है तो वो कैसा है? फ्रेंटिक है। फ्रेंटिक का हिंदी में मतलब होता है उन्मत्त, ठीक है, उन्मत्त, इमोशनली ड्रिवन, है ना, आउट ऑफ कंट्रोल जो हो जिसके इमोशंस, उसको फ्रेंटिक कहते हैं। ऑप्शन 2 हमारा है वेस्टेड। वेस्टेड का मतलब क्या होता है? व्यर्थ, वेस्ट से ही बना है वेस्टेड। ऑप्शन 3 हमारा है ऑब्सेस्ड। ऑब्सेस्ड का मतलब होता है यहाँ पर कि बिल्कुल जुनून सवार होना, है ना, जुनून सवार होना या जुनूनी होना, ठीक है। ऑब्सेस्ड का मतलब होता है जुनून सवार होना। ऑप्शन 4 हमारा है ग्रीडी। ग्रीडी का मतलब क्या होता है? ग्रीडी का मतलब होता है लालची, ठीक है, ग्रीडी का मतलब होता है लालची। तो यहाँ पे आप देखो बिसॉर्टेड, बिसॉर्टेड का मतलब होता है कि ब्लाइंडली और अटरली इन्फेचुएटेड, आसक्त होना, है ना, बिल्कुल एब्जॉर्ब्ड होना किसी भी चीज में। तो यहाँ पे आप ऑप्शन 3 देखो, ऑब्सेस्ड। ऑब्सेस्ड का भी मतलब होता है कि बिल्कुल जुनून सवार होना। तो यहाँ पे हम ऑप्शन 3 को ही करेक्ट मार्क करेंगे, क्योंकि हमारा जो ऑप्शन 3 है ऑब्सेस्ड, वही हमारा यहाँ पे करेक्ट एक्सप्लेनेशन और मीनिंग है बिसॉर्टेड का, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस देख लेते हैं। पिजिन्स लैंग्वेजेस दैट आर नॉट एक्वायर्ड एज मदर टंग्स एंड दैट आर यूज फॉर अ रिस्ट्रिक्टिव सेट ऑफ कम्युनिकेटिव फंक्शंस। तो जो हमारा पिजिन्स हैं वो कैसे लैंग्वेजेस होते हैं जो कि अक्वायर्ड नहीं किए जाते हैं, जैसे ही हमारी मदर टंग्स करी जाती हैं, जो मातृभाषाएं करी जाती हैं, एंड दैट आर यूज फॉर अ रिस्ट्रिक्टिव सेट ऑफ कम्युनिकेटिव फंक्शंस, ठीक है। और उसके बाद क्या कहा गया उनके बारे में, जो हमारा पिजिन्स हैं दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ लैंग्वेजेस, है ना, एंड हैव अ वेरी लिमिटेड वोकैबुलरी एंड अ सिंप्लीफाइड ग्रामर। तो जो हमारे पिजिन्स होते हैं वो ऐसे लैंग्वेजेस होते हैं जिनको कैसे बनाया जाता है, मिक्सचर करके, किसका, कई सारे लैंग्वेजेस को मिक्स करके बनाया जाता है, या ना मिक्सअप करके बनाया जाता है। और उनके पास क्या होता है, बहुत ही लिमिटेड वोकैबुलरी होती है और बिल्कुल ही सिंप्लीफाइड ग्रामर होता है ना।
तो यहां पे देखते हैं क्वेश्चन क्या बना। फाइंड आउट अ वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू सिंप्लीफाइड। ठीक है, तो यहाँ पे सिंप्लीफाइड का मतलब क्या होता है? सरलीकृत। सरलीकृत जो बिल्कुल इजी टू अंडरस्टैंड हो, जो बिल्कुल सरल हो, इजी हो, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं सिंप्लीफाइड। अगर कोई चीज बहुत ही सरलीकरण उसका कर दिया गया है तो वो उसको क्या किया गया, सिंप्लीफाई किया गया है और वो बिल्कुल सिंप्लीफाइड है। ठीक है, तो जो हमारी पिजिन्स होती है, लैंग्वेजेस होती हैं, उनमें सिंप्लीफाइड ग्रामर होता है, बहुत ही सरल जो होता है ग्रामर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे ऑप्शंस क्या हैं उनको देख लेते हैं। हमारा ऑप्शन है वन कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जटिल, है ना, जो बिल्कुल कॉम्प्लेक्स हो, बिल्कुल जटिल हो, है ना, विच इज नॉट वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन टू देख लेते हैं, एक्सपेंशन। एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है? एक्सपेंशन का मतलब होता है विस्तार। ठीक है, एक्सपेंशन का मतलब होता है विस्तार। ऑप्शन थ्री हमारा है रेस्ट्रिक्टेड। रेस्ट्रिक्टेड का मतलब क्या होता है? प्रतिबंधित, है ना। रेस्ट्रिक्ट करने का मतलब क्या होता है? प्रतिबंधित करना। तो रेस्ट्रिक्टेड अगर कोई चीज है तो वो कैसी है? प्रतिबंधित है। ऑप्शन फोर हमारा है कंसिक्वेंट। कंसिक्वेंट का मतलब होता है कि फलस्वरूप, एज अ रिजल्ट ऑफ समथिंग, है ना, फलस्वरूप। फलस्वरूप तो यहाँ पे हमसे पूछा क्या गया है? अपोजिट वर्ड पूछा गया है किसका, यानी एंटोनिम पूछा गया है किसका? सिंप्लीफाइड का। सिंप्लीफाइड का मतलब होता है सरलीकृत, ठीक है, जिसको सिंप्लीफाई कर दिया गया है, जो बिल्कुल सरल हो। तो यहाँ पे आप ऑप्शन वन देखो, कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जटिल। तो जटिल हमारा जो है वो सरल का एंटोनिम है, विलोम है। तो यहाँ पे एंटोनिम ही पूछा गया है हमसे सिंप्लीफाइड का, तो हम यहाँ पे ऑप्शन वन जो हमारा है कॉम्प्लेक्स, उसको करेक्ट मार्क करेंगे। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, अगला ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस देख लेते हैं। इन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो हमारी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, संसदीय शासन प्रणाली होती है, प्राइम मिनिस्टर कैन रेकमेंड द नेम ऑफ एनी पर्सन फॉर अपॉइंटमेंट एज मिनिस्टर। तो जो हमारा प्राइम मिनिस्टर होता है, प्रधानमंत्री होता है, वो किसी भी व्यक्ति का नाम जो है रेकमेंड कर सकता है। किस लिए? फॉर अपॉइंटमेंट एज मिनिस्टर। तो एज अ मिनिस्टर अपॉइंट करने के लिए किसी भी व्यक्ति का नाम जो है हमारा जो प्राइम मिनिस्टर होता है, किसी भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में वो रेकमेंड कर सकता है किसी भी व्यक्ति का नाम, कि इसको एज अ मिनिस्टर एक मंत्री अपॉइंट किया जाए। ऑफ कोर्स सी हैज टू सी द इंटरेस्ट। जो हमारी प्रधानमंत्री होती है, जो प्राइम मिनिस्टर होती है, वो क्या देखती है? इंटरेस्ट देखती है किसका? ऑफ द मिनिस्ट्री, जो मंत्रालय है ना। क्यों? सो दैट इट वर्क्स इन अ होमोजीनियस मैनर, ताकि वो एक होमोजीनियस मैनर में काम कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा क्या गया है, हमारा क्वेश्चन क्या बना? होमोजीनियस इन द पैसेज मीन्स, तो होमोजीनियस का मतलब क्या होगा? ठीक है, होमोजीनियस का मतलब होता है समरूप। हिंदी में इसका मतलब होता है समरूप, यानी एक समान। होमोजीनियस का अगर आप इंग्लिश में देखो तो होमोजीनियस का इंग्लिश में मतलब होता है ऑफ द सेम, ऑफ द सेम और सिमिलर काइंड। ठीक है, सिमिलर काइंड, एक रूप का। ठीक है, समरूप होना, होमोजीनियस होने का मतलब होता है। होमोजीनियस हमारा एक एडजेक्टिव है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऑप्शंस देख लेते हैं अपने। ऑप्शन वन हमारा है कंसिस्टिंग ऑफ द सेम सब्सटेंस, है ना, एक ही सब्सटेंस का बना होना, सेम सब्सटेंस का बना होना, है ना। ऑप्शन टू हमारा है फ्रेगमेंटेड। फ्रेगमेंटेड का मतलब होता है बिखरा हुआ होना, ठीक है, टुकड़ों में होना। ऑप्शन थ्री हमारा है यूनाइटेड। यूनाइटेड का मतलब होता है कि एकीकृत, ठीक है, एकीकृत, वेल कोऑर्डिनेटेड। ऑप्शन फोर हमारा है वर्किंग इंडिपेंडेंटली, है ना। इंडिपेंडेंटली वर्क करने का मतलब क्या होता है? स्वतंत्र होकर के, स्वतंत्र रूप से कार्य करना। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपने पैसेज को अच्छे तरीके से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जो हमारा क्या कहा जा रहा है, कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो प्राइम मिनिस्टर होता है या होती है, वो किसी भी व्यक्ति का नाम रेकमेंड कर सकती है फॉर अपॉइंटमेंट एज मिनिस्टर। बट उसको क्या देखना पड़ता है? उसको मिनिस्ट्री का इंटरेस्ट भी देखना पड़ता है, ताकि वो होमोजीनियस मैनर में काम कर सके। ठीक है, तो होमोजीनियस मैनर का मतलब यहाँ पे क्या किससे निकल कर आएगा? यूनाइटेड वे में, ठीक है, यूनाइटेड वे में काम कर सके, वेल कोऑर्डिनेटेड मैनर में। तो हम यहाँ पर ऑप्शन थ्री को, यूनाइटेड को ही करेक्ट मार्क करेंगे, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द पैसेज इट सीम्स टू बी द अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द वर्ड होमोजीनियस।
दोस्तों आगे चलते हैं, अगला ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस देख लेते हैं। इट इज जस्ट एज एब्जर्ड एंड पार्ट ऑफ द सेम सिंड्रोम टू ट्राई टू बैन ट्विटर अकाउंट्स दैट पैरडी डिस्पैचेस फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा क्या गया है, पैरडी का मतलब क्या होगा। पैरडी मीन्स, पैरडी का मतलब क्या होगा, पैरडी का मतलब क्या होता है, पैरडी का मतलब होता है कि हास्यास्पद नकल या हास्यजनक नकल किसी की, या हास्यजनक नकल अगर किसी का आप फनी वे में किसी को कॉपी कर रहे हो, है ना, किसी की नकल कर रहे हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, पैरडी कहते हैं। वो जो नकल है उसको कहते हैं पैरडी। तो यहाँ पे ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन वन हमारा है ट्विस्ट। ट्विस्ट का मतलब क्या होता है, ट्विस्ट का मतलब होता है कि मोड़, है ना, कोई एक्साइटिंग मोड़। ऑप्शन टू हमारा है जेपरडाइज। जेपरडाइज का मतलब क्या होता है, खतरे में डालना। ठीक है, ऑप्शन टू जो हमारा है वो हमारा है जेपरडाइज। जेपरडाइज का मतलब होता है खतरे में डालना, है ना, टू इंडेंजर, खतरे में डालना, टू पुट इन टू डेंजर। ऑप्शन थ्री हमारा है रेडिक्यूल। रेडिक्यूल का मतलब होता है उपहास। ठीक है, उपहास। ऑप्शन जो हमारा फोर है इमिटेट। इमिटेट का मतलब होता है नकल करना, है ना, अनुकरण करना, कॉपी करना। ठीक है, अनुकरण करना, अनुकरण करना, नकल करना या कॉपी करना। तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, पूछा गया है पैरडी का मतलब, पूछा गया मीनिंग पूछी गई है पैरडी का। पैरडी का मतलब होता है कि कोई हास्यास्पद या हास्यजनक नकल हो। तो यहाँ पे आप ऑप्शन थ्री देखो, रिडिक्यूल। रिडिक्यूल का मतलब भी होता है उपहास, ठीक है, हंसी उड़ाना। तो यहाँ पे हम ऑप्शन थ्री को करेक्ट मार्क करेंगे, बिकॉज इट सीम्स टू बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड पैरडी, सो वी वुड मार्क ऑप्शन थ्री एज द करेक्ट ऑप्शन। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। आप हमारे वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आपको आगे भी ऐसे वीडियोस के नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ ग्रेट डे अहेड। वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।